वर्क टाइम यानी काम समय। तो काम समय के पहला नियम हम बता रहे हैं आपको। पहला नियम क्या है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कोई काम है, अगर ए अकेले को लगा दिया जाए उस काम पर, तो 10 दिन में ए अकेला काम कर लेता है। यदि उसी काम ए की जगह पर बी को लगा दिया जाए तो बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताना यह है कि दोनों मिलकर, यानी ए और बी यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इधर नियम एक जिस सवाल में यह रहे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका मतलब दोनों मिलकर रहे, देखा मतलब दोनों का एक दिन का काम निकाला जाए, दोनों का एक दिन का काम। तो पहले देखिए इधर, जैसे इसमें है ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी दोनों मिलकर कौन कौन, ए और बी, तो एक का मतलब ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे हम। अगर यहां लिखा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक का मतलब ए और बी, तो ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे। मान लीजिए लिखा है राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक मतलब राम का एक दिन का काम निकालेंगे। मतलब कि जिसका काम निकालना है उसी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो यहां लिखा है दोनों मिलकर, एक है मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का, ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर। तो ए और बी का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, पहले देखिए इधर, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी एक दिन मतलब एक काम को 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, यानी जितना रहेगा उसी को बटे में लिख देंगे हम। अब अगर दोनों मिलकर रहे, दोनों मिलकर जिसे लिखा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, अगर मिलकर रहे तो प्लस रह जाए, फिर क्या कर रहा, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो एक है मतलब 1/15 हो जाए, तो बी का एक दिन का काम कितना, 1/15 हो जाए। तो कहने का मतलब ए और बी का एक दिन का काम बराबर का हो जाए, ए का यानी ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो एक है मतलब एक दिन में करेगा 1/10 भाग, और प्लस अब बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो एक है मतलब बी एक दिन में करेगा बराबर 1/15 भाग, यानी इतना हो गया, इतना भाग करेगा एक दिन में। अब इसी को हल करना है, अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, यानी 10 और 15 से बड़ी संख्या इसी बताइए कि जिससे 10 से भाग देने पर कट जाए और 15 से भाग देने पर कट जाए, यानी 30 ले लेंगे हम। जब हम 30 को 10 से भाग देंगे, यानी पहले जो हम मान लिए हैं, यानी कि जो एलसीएम लिए हैं हम, 30 को हम पहले 10 से भाग देंगे, 10 तिहाई 30 हो गया, फिर भाग दे जितना हवा है को का हम अंश से इंटू कर दे, तो 3 × 3 हो गया, और प्लस फिर का हम ये देखा, अब हम 30 का आपकी जो लेकर नीचे है 15 भाग दे दे, 15 × 30 भाग दे दुई आवा है, जितना भाग दे पे आवा है को का अंश से इंटू कर दे, तो 2 × 2 यानी इतना भाग हो गया। अब यानी कि 3 × 2 5/30 भाग, इतना भाग आएगा। यानी ए और बी का एक दिन का काम कितना है, अब मान ले हम निकाले होते बी ए और बी का एक दिन का काम बताइए, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5/30 भाग, लेकिन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, तो यहां एक लाइन और लिख लीजिए, ए और बी पूरा भाग, ए और बी पूरा भाग कहेगा बराबर, पूरा भाग करेगा बराबर, जितना ही आवा है यही पढ़ दिया, नीचे वाला ऊपर लिख दिया,
ऊपर वाला नीचे लिख दिया कि भागा लिख देते हैं तीनों बदल दिए। जो 5/30 लिखा है ए मतलब कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है 5/30, तो यानी ए और बी का पूरा भाग कितना हो जाए, पूरा भाग करेगा बराबर पड़ जाए, यानी कि 5×30 6 दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए किसी काम को इतने दिन में और बी उसी काम को इतने दिन में, तो ए और बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसी टाइप का देखिए नियम एक है। यानी दूसरा नियम मतलब दूसरी सवाल हम बता दे रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत रही हो, ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। यानी कहने का मतलब यह है यदि ए किसी काम को अगर एक करे रहे तो ये 4 दिन में कर सकता है, उसी काम को अगर बी करे तो 6 दिन में कर सकता है, यदि उसी काम को दोनों मिलकर करें ए और बी तो कितने दिन में करेंगे। तो जैसा हमने कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका मतलब दोनों का 1 दिन का काम पहले निकालेंगे। अगर ये कह दिया राम उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो राम का 1 दिन का काम, श्याम यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो श्याम का 1 दिन का काम, जे का काम निकाले रहे पूरा काम वही के पहले 1 दिन का काम निकाला। एक है मतलब सबसे पहले निकालेंगे ए और बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम कैसे निकाला, देखा ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, तो यहीं 4 दिन है 1/4 लिख दिया आधा, और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो यहीं 1/6 लिख दिया। ये है 1/4 × 1/2। अगर लिखा रहे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, अगर दोनों मिलकर रहे तो प्लस रहे, अब यही कह दीजिए राम अकेला कितने दिन में करेगा तो माइनस रहे। तो अब देखिए रहा, अब इसको कैसे लगाएंगे हम, अब एक लघुत्तम ले लें, हम लघुत्तम 12 ले लें। अब 12 कैसे मतलब क्यों लिए, क्योंकि 12 जो है 4 से भी भाग देने में कट जाएगा और 6 से भाग देने में कट जाएगा। जब हम 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12 3 आइए, अब 3 करना 3 और प्लस फिर 12 हम 6 से भाग दे तो 6 × 12 और 2 करना 2 यानी कितना आइए 3×2 = 5/12 भाग। यानी कि अब ये 12/5/12 भाग क्या है, ए और बी का 1 दिन का काम है, लेकिन कह रहा है पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप पूरा काम निकाल लीजिए, किसका लिखिए ए और बी का, ए और बी पूरा काम करेगा, पूरा काम करेगा बराबर, यानी कि हम बताए ही एक एक दिन का काम जो निकाले यहां वो हम जो हर में लिखा हुआ होगा अंश में लिख दिया और जो अंश में लिखा हुआ होगा हर में लिख दिया, ये भाग हट गए, भाग की जगह पे दिन हो जाए। यानी जो 5 एक दिन में कितना काम करते हैं 5/12 भाग, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे 12/5 भाग। अब इसी काटेंगे हम, तो जब 12 का हम 5 से भाग देंगे तो 5×2 = 10 5×3 = 15 ज्यादा हो जाए, तो 5×2 = 10 तो 2 में से 0 हुए 2 1 में से 1 गए कुछ नहीं, जितना भाग देह पे आवा है इतना सही, जितना शेष आवा है इतना बटे जितने से भाग दे है इतना दिन। यानी कहने का मतलब अगर ए और बी उसी काम को यदि करें तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 2 सहित 2/5 दिन में। यह है पहला नियम, काम समय का पहला नियम। अब देखिए काम समय का दूसरा नियम क्या है, देखिए नियम दो में क्या है। पहली बात तो काम समय में जितने भी नियम हैं आपको हम पूरा नियम बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है, पहले सवाल को पढ़ेंगे हम, लिखा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ये का मतलब कि अगर ए और बी दोनों जने वह काम को अगर मिलकर करें तो 10 दिन में कर सकते हैं, और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है,
यदि ए जो है अगर काम ना करें, बी अकेले वही काम कर करें, तो 15 दिन लागे, 15 दिन में कर सकता है। लेकिन फिर क्या करें, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी हमका एक अकेले काम निकालने का है, जिसे बी अकेले कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। अगर यदि ए अकेला काम करे उसी काम को, तो कितने दिन में करेंगे, ये याद करना है। तो अब देखिए अकेला काम लिखा हुआ है, जिसे पहले कह रहा हूं, पहले लिखा रहा हूं ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी का एक दिन का काम निकाल रहे। लेकिन अब क्या है, अब कह रहा है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो यह मतलब ए का एक दिन का काम निकालेंगे हम, तो यहां लिखेंगे ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर। तो एक दिन का काम बराबर क्या हुई, देखिए एक दिन का काम बराबर, अब लिखा है ए और बी जो दोनों जने मिलके काम करता है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्या मतलब ए और बी मिलके एक मतलब 10 दिन में, तो क्या मतलब 1/10 है क्या। अब अगर अकेला काम निकालेगा है तो माइनस हो जाए। अब फिर क्या कह रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो क्या मतलब 1/15 हो जाए इतना काम। अगर मान लीजिए अगर ए का एक दिन का काम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे दोनों लोग मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, उसमें से हम जो अकेला काम है उसका घटा देंगे, तो हमारा ए का एक दिन का काम निकल आएगा। तो अब यही इसी को घटाएंगे हम, अब इसमें लघुत्तम ले लेंगे 30, 30 लघुत्तम ले लिया, तो 10 30 3 आ गया, अब 15 × 30 = 2 आ गया, यानी इतना भाग अभी बराबर हो जाए 3 में से 2 घटावा 1/30 भाग। इसका मतलब ये हुआ ए का एक दिन का काम कितना निकला, 1/30 भाग। इसका मतलब कि अगर ए, अब यहां पूछा जाए तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 भाग करेगा, लेकिन ये तो कह नहीं रहा है, कह रहा है पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो ए का पूरा भाग निकाल लीजिए, सुंदर राइटिंग लिखिए, ए पूरा भाग, ए पूरा भाग करेगा बराबर, यहाँ 1/30 लिखा है तो यह हो जाए 30/1 भाग, तो अब जो भाग है वो दिन में हो जाए, याद रखिए 1/30 लिखा है, अंश जो जो हर है उसको यहां इसमें अंश बना देंगे, और जो अंश है उसको हर बना देंगे। अब 30/1 का मतलब क्या हुआ, 1/1 का मतलब कुछ नहीं, 30 दिन ये है। अब इसी टाइप के हम एक सवाल और बताते हैं, देखिए नियम 2 के दूसरी सवाल है उसी टाइप के हैं सवाल, देखिए ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसी काम यानी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, और बी और ए अकेला उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। एक है मतलब अगर ए और बी मान लीजिए किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं, और ए अकेला उसी काम को करने में 6 दिन लगाते हैं, तो अब यह बताना है कि ए अकेला उसी काम को यदि करे तो कितने दिन लगाएगा, भाई ये अकेला कितने दिन में करेगा। तो एक है मतलब जिसका काम निकालना है याद रखे रहिएगा, उसी का हम पहले 1 दिन का काम निकालते हैं। अगर कह रहा है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो एक है मतलब ए का एक दिन का काम निकालेंगे। अब अगर कह दीजिए बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम निकालेंगे। अब अगर कह दीजिए कि सीता और गीता उसी काम को कितने दिन में करेंगी, तो एक है मतलब सीता और गीता का 1 दिन का काम, जिसका पूरा काम निकालना है उसी का हम पहले 1 दिन का काम निकालते हैं, और हमें निकालना क्या, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, हमको काम निकालना है बी के पूरा काम, तो पहले निकालेंगे हम बी का 1 दिन का काम,
तो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम बराबर का है, बी का एक दिन का काम बराबर, जैसा कि हमने कहा अगर जोनेस अलार्म है अकेला काम, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, अगर अकेला काम है तो माइनस हो जाए, अब के हेमंत से माइनस होए, जो उन दोनों जने मिलके काम करता है वो हेमंत से कह रहा है कि ए और बी किसी काम को चार दिन में कर सकते हैं, तो चार दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक बटे चार भाग करेंगे, अब इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि हमें अकेला काम निकालना है, फिर कह रहा है और ए अकेला उसी काम को छह दिन में कर सकता है, जब ए अकेला उसी काम को छह दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटे छह के इतना भाग, ये समझ में आएगी नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम लघुत्तम ले लेंगे, बारह लघुत्तम लेंगे तो चार तिहाई तीन आएगा, अब माइनस छह दुनी बारह दुई आएगा, यानी बराबर कितना है, तीन में से दुई घटाएगा एक बटे बारह भाग, यानी कहने का मतलब बी का एक दिन का काम, यानी बी का एक दिन का काम कितना आएगा, एक बटे बारह भाग, अगर अब वही लिखा हो कि बी अकेला उसी काम को एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, एक बटे बारह भाग करेगा, लेकिन कह रहा है पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो पूरा भाग निकालना है तो लिखेंगे क्या सुंदर राइटिंग में, बी का या बी पूरा भाग, बी पूरा भाग करेगा बराबर, तो बी जो रहा पूरा भाग कितने दिन में करेगा, हम बताइए जो एक दिन का काम निकाले यहां जो उसमें अंश मतलब हर है वो अंश बन जाए, जो अंश है वो हर बन जाए, ये मतलब इतना अभाग खत्म हो, दिन हो जाए, जब इसको हम ऊपर का नीचे नीचे को ऊपर कर देंगे तो भाग हट के दिन हो जाए, बचे के मतलब कुछ नहीं, यानी कि 12 दिन, यही हमारा आंसर हुआ। कहने का मतलब अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे बच्चों का दो नियम तैयार हो गया, पहला पहला नियम देखिए, नियम एक और नियम दो हम बता दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा ठीक, और हम अब तीसरा नियम बता रहे हैं, देखिए नियम तीन, नियम तीन में क्या है, देखिए नियम तीन में है राम किसी काम का दो बटे पांच भाग दस दिन में कर सकता है, यानी कि दो बटे पांच भाग राम को करने में कितने दिन लगता है, दस दिन लगता है, तो कह रहा है तो राम पूरा भाग या राम पूरा काम कितने दिन में, पूरा भाग चाहे लिखिए चाहे पूरा काम लिखिए, राम पूरा काम कितने दिन में करेगा, यही निकालना है। तो देखिए राम जो है वो दो बटे पांच भाग को करने में कितने दिन लगाते हैं, दस दिन लगाते हैं, तो कह रहा है तो राम पूरा काम कितने दिन में करेगा, अब देखिए चूंकि यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है दो बटे पांच भाग कौन करता है, राम करता है, दो बटे पांच भाग राम करता है बराबर कितने दिन में करता है, दस दिन में करता है, यानी कहने का मतलब दुई बटे पांच भाग कौन करता है, राम करता है, अब कितने दिन में करता है, दस दिन में करता है, ये तो लिखेंगे, तो कह रहा है कि तो राम पूरा भाग यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो राम पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो यहां लिखिए इसलिए पूरा भाग, सुंदर राइटिंग लिखेंगे, पूरा भाग राम करेगा बराबर, अगर मान लीजिए कभी ऐसी सीन आती है तो हम क्या करेंगे, जो यह नंबर ए पर है इसको तो हम नीचे ऊपर ऊपर नीचे कर देंगे, आई टू जय दिन हियर है उसको ऊपर ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे यहां नीचे का ऊपर ऊपर नीचे यहां कर देंगे, और यहां जय दिन लिखा रहे दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन उसको यहां हम उतार देंगे दिन,
अब देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 5/2 × 10, तो 2 × 9 = 2 और 2 × 5 = 10, बटे का मतलब कुछ नहीं, 5×5 = 25 दिन। यानी कहने का मतलब यदि राम 2/5 भाग करने में अगर 10 दिन लगाता है तो वह पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। अगर समझ में नहीं आया तो इसी टाइप के हम एक सवाल और बताते हैं। देखिए सवाल नंबर नियम 3 के दूसरी सवाल है। अगर सवाल नहीं समझ में आती है तो सवाल पहले पढ़िए, पहले समझ लीजिए तब सवाल लगाइए। अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके उसको मतलब फिर से देख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, एक किसी काम का 2/7 भाग 14 दिन में कर सकता है, तो ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा। मान लीजिए जब यह टाइप के अगर सवाल आती है कि 2/7 भाग कौन करता है, अभी पूछा जाए कि 2/7 भाग कौन करता है, तो आप यही कहेंगे ना कि ये करता है। फिर पूछा जाए मतलब कि कौन मतलब कितने दिन में करता है, तो 14 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि तो ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा। अब हमें ज्ञात करना है कि ये पूरा भाग कितने दिन में करेंगे। जैसे 2/7 भाग ए जो है 10 दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे यही निकालना है। तो पहले सुंदर राजू लिखेंगे, चूंकि 2/7 भाग कौन करता है, ए करता है, ए करता है, कितने दिन में करता है बोलो, 14 दिन में करता है। ए बराबर करता है कितने दिन में, 14 दिन में। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, दो चूंकि 2/7 भाग ए करता है बराबर कितने दिन में, 14 दिन में, इसलिए पूरा भाग कौन करेगा, ए करेगा। तो पूरा भाग ए करेगा बराबर, जैसा कि हम बताएंगे जो नंबर एक पर है इसका अंश जो है वो हर बन जाएगा, और हर जो है अंश बन जाएगा जब इधर लाएंगे तो 7/2 हो जाए, जो 2/7 आए 7/2 हो जाए, और यहां जय दिन रहे पूरा का पूरा इसे 14 दिन है, तो 14 दिन इसे ये उतर गया है। अब इसको जब हम काटेंगे तो 7/2 × 14, तो 2 × 9 = 2, 2 × 7 = 14, बटे का मतलब कुछ नहीं, 7×7 = 49 दिन। यानी कि अगर ये उसी काम को पूरा, यानी ये उसी काम को अगर करते हैं तो पूरा यानी काम कितने दिन में करेंगे, 49 दिन में। ये है नियम 3। तो नियम 3, अब देखें नियम 4 हम बता रहे हैं काम समय में, लेकिन ये है वीडियो शुरू से आगे। देखिए ये किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों मिल कर रहा है, जो ने सवाल में लिखा रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो नोट कहला। अगर जब तक ये न मालूम हो कि ए पूरा भाग कई दिन में करता है, बी पूरा भाग कई दिन में करता है, जब तक इतना न मालूम हो तब तक हम दोनों का पूरा भाग नहीं निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, बी का तो पूरा भाग दिए है कि पूरा काम जो है 15 दिन में कर सकता है, लेकिन अब हमें ए का काम नहीं मालूम है, तो लिखेंगे हम 2/5 भाग ए करता है बराबर कितने दिन में करता है, 4 दिन में। यानी कहने का मतलब 2/5 भाग ए करता है बराबर 4 दिन में, इसलिए पूरा भाग ए करेगा। मान लो अगर ये पूरा भाग करे तो कई दिन में करी है, तो यह वाला पढ़िए 5/2, यहां वाला इसे उतर ही है 4 दिन। अब ये 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 दिन। 10 दिन
इसका मतलब इतना मालूम हो गया कि मान लीजिए जिसका पूरा भाग ना दिए हो पहले उसका पूरा भाग निकाल लीजिएगा। जैसे हमने देखा कि ए का पूरा भाग नहीं दिए थे तो हमने ए का पूरा भाग निकाल लिया कि ए पूरा भाग कितने दिन में करेंगे। अब हमें पता चल गया ए पूरा भाग करेगा 10 दिन में। अब बी उसी काम को पूरा भाग कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में। अब दोनों का एक दिन का काम निकल गया है, कैसे निकलेगा? अब यानी कि अब क्या कह रहा है, तो दोनों मिलकर कौन कौन, ए और बी, इसका मतलब हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर। यानी कहने का मतलब जे का काम निकालेगा है, अगर ए और बी का पूरा भाग निकालेगा है तो ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे। कहा था एक उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का काम निकालेंगे, बी उसी काम को पूरा भाग कितने दिन करेगा, बी का एक दिन का काम। पहले हम एक ही दिन का काम निकालेंगे, तो ए और बी का एक दिन का काम बराबर कितना हो गया भाई, ए पूरा भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 भाग। और हम बताए जब जिन्होंने सवाल में लिखा रहा है दोनों मिलकर, इसका मतलब मिलकर मतलब प्लस रहे। अब भाई लिखा हो राम अकेला कितने दिन में करेगा, या बी अकेला कितने दिन में करेगा, या सी अकेला कितने दिन में, अकेला शब्द है तो वहां माइनस होगा, और जहां लिखा रहा है दोनों मिलकर या तीनों मिलकर, मिलकर लिखा रहा है तो वहां प्लस होगा। फिर क्या कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 भाग करेगा। यह बहुत कठिन नहीं है, हल्का से ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि हमारा ए का पूरा भाग नहीं दिए थे तो हमने क्या किया, पहले ए का पूरा भाग निकाले कि ए पूरा भाग कितने दिन में करेंगे। अब ए का पूरा भाग निकाल लिया, बी का पूरा भाग दिए थे, अब हम ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो अब देखिए इधर, इसका मतलब ये हम 30 लघुत्तम ले लेंगे, हम विशाल के हमने बताया है, तो 10 तियाई मतलब 3 अघन। अब जब हम 30 का 15 से भाग दे तो 15 दूनी 2 आएंगे, इतना था। अभी बराबर हुई है 3 और 2 5/30 भाग, इतना हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो दोनों मिलकर पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, जान लीजिए। तो अब पूरा भाग कौन, ए और बी, पूरा भाग करेंगे बराबर। तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, हम बताइए एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उसी के अंश और हर को बदल दो, यानी कि अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, इतना बराबर कितना आ गया, 5×30 यानी कि 6 दिन, यही हमारा आंसर है। समझ में तो आई गई, कहने का मतलब ए और बी यदि उसी काम को अगर करते हैं तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। जैसा इसी टाइप के एक सवाल हम और देते हैं, देखिए नियम 4 का दूसरे सवाल है। हम प्रत्येक नियम में हम दो दो सवाल बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। और नियम 4 का हम दूसरी सवाल हम बता रहे हैं, देखिए एक किसी काम का 1/2 भाग 2 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में ठीक है, कितने दिन में करेंगे, ठीक। अब देखिए इधर, कहने का मतलब जो ने सवाल में ही लिखा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक है मतलब दोनों जने के पूरा भाग अगर दिन रहे तब ही निकले, जैसा कि हम इसके पहले वाले सवाल में भी हमने कहा, जब ही निकाले रहे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों जने का पूरा भाग अगर दिन रहे तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जैसा कि इसमें ए का पूरा भाग नहीं दिया है, ए पूरा भाग कितने दिन में करेंगे ये नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है एक
किसी काम का एक बटे दो भाग दो दिन में कर सकता है, यानी कि एक बटे दो भाग कौन करता है, ये करता है। कितने दिन में करता है, दो दिन में करता है। और बी उसी काम को छह दिन में कर सकता है, बी के तो काम दिन है पूरा भाग छह दिन में करेगा, लेकिन ए का काम नहीं दिए है, ए कितने दिन में करेगा पूरा भाग, इसलिए पहले हम ए का पूरा भाग निकालेंगे। तो लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, चूंकि ए बटे दो भाग कौन करता है, ए करता है, ए करता है, कितने दिन में करता है, दो दिन में करता है, दो दिन लिखेंगे, इसलिए पूरा भाग कौन करेगा, ए करेगा, कितने दिन में ए निकालना है। तो ये ए बटे दो है, ये दो बटे ये जैसा हमने कहा है, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाए, ऊपर वाला नीचे हो जाए, ये बदल के तब यहां, यहां जब इसको बुलाया जाएगा यहां पर, तो ये अपना स्थान बदल ले, बदल करके तब यहां आएगा, इंटू फिर यहां जय दे रहे उतना उतार लेंगे, दो दिन, तो ये बटे का मतलब कुछ नहीं, दो दुनी चार दिन में। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा भार कितने दिन में करेगा, चार दिन में करेगा, अब मालूम होगा। अब बी पूरा भार कितने दिन में करेगा, छह दिन में। अगर ए का पूरा भाग दिन है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, अब बी का पूरा भाग दिन है कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आसान होगा। अब हम लिखेंगे क्या लिखा हुआ, तो दोनों मिलकर कौन कौन, ए और बी, एक मतलब लिखा ए और बी का कितने दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम बराबर। तो हमने क्या कहा है, पहले देखिए ए पूरा भाग कितने दिन में कर रहा है, पहले देखेंगे हम, तो ए पूरा भाग कर रहा है चार दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटे चार भाग करेगा। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमने कहा जब दोनों मिलकर रहे तो प्लस हो जाए प्लस। फिर अब देखिए बी पूरा भाग कितने दिन में कर रहा है, तो और बी उसी काम को छह दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटे छह भाग करेगा, इतना हो गया। इसका मतलब कि अगर लिखा रहा है कि ए और बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब ए का पूरा भाग ज्ञात करेंगे, ए पूरा भाग कितने दिन में करेगा और बी पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तब हमारा फिर ए और बी का एक दिन का काम निकलेगा। अब ए का, ए और बी का एक दिन का काम कहा हुई है, बारह लघुत्तम ले गए हम, बारह लघुत्तम ले लेंगे तो चार तिया ही बारह, जब बारह का हम चार से भाग दे तीन आइए, और प्लस जब हम बारह का छह से भाग दे तो छह दूनी बारह दू आइए, इतना भाग आइए। अभी हो बराबर तीन दू पांच बटे बारह भाग, लेकिन कह रहा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे पूरा भाग, इसलिए अब क्या लिखेंगे, ए और बी पूरा भाग करेगा बराबर, अब करेंगे बराबर, पूरा भाग करेंगे बराबर। अब इन्हें नीचे वाला ऊपर लिख देंगे, अब ऊपर वाला नीचे लिख देंगे, इतने दिन में करेंगे। यानी कहने का मतलब ए और बी का एक दिन का काम बराबर कितना आएगा, पांच बटे बारह भाग आएगा। जब एक दिन का काम निकल गया हो तो हम ए और बी का पूरा भाग निकालेंगे, तो पूरा भाग कैसे निकालते हैं, जो एक दिन का काम आया है उसी के अंश और हर को हम बदल देंगे, तो इतना दिन। अब यानी 12 भागे 5, 12 कह रहा है कि हमें 5 से भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, तियाजे कितना 2, यानी कि बराबर हो गया 2 सही 2 बटे 5 दिन में। यानी कहने का मतलब अगर यह टाइप के सवाल अगर आती है तो इस तरह से लगा लीजिएगा, और आवाज मतलब निकाम समय में हम चार नियम बता दिए हैं, इसको आप यानी कि शुरू से आखिरी तक देखिए और इसको कॉपी में लगा लीजिए, और हम यानी कि लाइक करिए और हमारे वीडियो शेयर करिए, और हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे,
जय हिंद जय भारत।